Live 26. अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी. मुझे पता लगा है आज मैं यहाँ पर हूँ अनुग्रह के बर्थडे के लिए. योगेश जी बहुत ही खास हैं हमारे, हमेशा से फैमिली के बहुत ही क्लोज रहे हैं. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अनुग्रह, इतना छोटा सा बेबी है, उसके बर्थडे के लिए आई हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. अरे मैं घर देखकर आई और मैंने किचन और रूम सारे देखे. मैं सब पूरा घर घूम के आई एंड इट्स ब्यूटीफुल. मुझे बहुत अच्छा लगा घर और कंग्रेचुलेशंस उनको, बहुत अच्छा घर लिया है उन्होंने. अनूप जी तो मेरे गुरु जी हैं. तो उन्हें तो मैं जानती हूँ, 3-4 साल से जानती हूँ. हमने काफ़ी रियाज़ किया है साथ में और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है, ये सबको ही पता है. एंड जब बिग बॉस हुआ उससे पहले से मैं जानती हूँ उन्हें. एंड जब बिग बॉस के लिए जब मुझे पूछा गया था, जब मुझे कॉल आया था कि मैं बिग बॉस करूँ ऐसा, तो ये मैंने अनूप जी से पूछा कि विचित्र जोड़ी हम बना के जाएँ. और इस तरह से हमने प्लान किया जब हम घर के अंदर गए कि हम गुरु शिष्य बन के हम जाएंगे. तो मैं तो पहले से ही जानती हूँ उन्हें. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना बन रहा है मेरा, जो कि मेरा सिंगल होगा और मुझे लगता है वो मार्च या अप्रैल में लॉन्च हो जाना चाहिए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेक्सी गाना है. तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जसलीन अब क्या कर रही है. तो मैं अभी सबको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना अब आ रहा है जो अप्रैल, मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए. ये सब मैं अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगी. सब चीज़ें ये सब सीक्रेट होती हैं. तो डेफिनेटली बहुत जल्दी, कितना टाइम रह गया है अभी, फेब आ गया बस अभी. तो एक आध महीने और रुक जाइए, सारी बातें पता चल जाएंगी खुद ही. देखिए अनूप जी के साथ एज ऑफ नाउ, मतलब एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है. बट आपने ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में. जी देखिए बिग बॉस में सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हम जब बाहर होते हैं हम ध्यान नहीं देते बहुत सारी चीज़ों की. जिस तरह के लोग चीज़ें हमें बोल देते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ो, इससे मिलना नहीं है दोबारा. लेकिन बिग बॉस के घर में मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे तो आप इग्नोर ना करें. मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब मैं ये कर रही हूँ.